आने लगा है और क्या तैयारियां हैं, क्या दिशा निर्देश आपने दिया रखने के लिए? देखिए, आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पे मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 20 जिलों में जो भी मतदाता चुन गया अर्थात 1 जनवरी 2022 को जिसका शिफ्टिंग हो रही है वो अपना जरूर नाम है करवा लें, किन्हीं की अगर शिफ्टिंग हुई है वो करवा लें। आयोग के द्वारा ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएँ दी गई हैं, तो आप घर बैठ के भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑफलाइन हमारे VRC सेंटरों पर बूथों पर आ सकते हैं। और इसी के लिए 4 विशेष दिवस 2 संडे और 2 सैटरडे चलाए जा रहे हैं, 7 तारीख 13 तारीख आप 21 और 28 तारीख, जिसमें आप अपने बूथों पर आकर के इस चीज़ को करा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं और पूरे लखनऊ से मैं यही अपील करूँगा कि प्रदेश की राजधानी होने के नाते लखनऊ प्रदेश में नहीं देश में नंबर एक पे रहें। वोटिंग किसको करनी है हर वोटर की अपनी इच्छा है, लेकिन वोट जरूर करना और उसके लिए जरूरी है कि मतदाता सूची में आपका नाम जरूर रहे। धन्यवाद। संक्षेप में मैं कुछ बात बताना चाहूँगा कि मतदाता सूची को हम लोग कहते हैं कि इसकी हेल्थ और स्वच्छता, मतदाता सूची पूर्ण रूप से स्वच्छ और स्वस्थ होनी चाहिए। हमें गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है हम लोग, और इसमें आप सबका योगदान है क्योंकि लोकतंत्र का भाग्य विधाता एक जागरूक मतदाता होता है। हमारे यहाँ ये अर्हता तिथि 1 जनवरी होती है, क्योंकि ये 2022 के लिए तैयारी हो रही है तो अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 है। अगर आप आज की तिथि में 1 जनवरी 2022 को 18 साल या उससे ऊपर के हो रहे हैं तो आपसे आप अप्लाई कर सकते हैं, या मान लीजिए किसी ने नहीं किया हो 22 साल या 23 साल का हो वो भी अप्लाई कर सकता है। और बहुत ही सरल रूप में मैं इसको समझाऊं तो जैसा कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग की मंशा रही है, पूर्व में हम लोग कहते थे चुनाव, परंतु कई सालों से माननीय भारत निर्वाचन आयोग का यह थ्रस्ट रहा है कि इसके साथ साथ इलेक्शन इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव का अर्थ है कि उसमें महिलाएं, हमारे दिव्यांग साथीगण, सीनियर सिटीजन, युवा वर्ग, इन सबकी सहभागिता हो, तभी इसको इंक्लूसिवनेस कहा जाता है। साथ ही साथ सेफ इलेक्शन, क्योंकि कोविड काल में ये बहुत जरूरी है कि कोविड सेफ इलेक्शन की हम लोग कराएं और कराते रहे हैं। ये कार्य बहुत ही सरल है और जैसा कि मतदाताओं का मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग के साथ 2 बार ही मात्र संपर्क होता है, एक बार जब आप मतदाता बनते हैं और दूसरी बार जब आप वोट डालने जाते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं दूसरी जगह मतदाता से आकर यहाँ भर रहे हैं तो भी फॉर्म 6 भरे, प्रारूप 4 होता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है कि पहले आप कहाँ से स्थानीय निवासी थे, तो वहां का नाम कटेगा यहाँ बढ़ जाएगा। फॉर्म 7 नाम विलोपित करने के लिए होता है। फॉर्म 8 मान लीजिए आपकी मतदाता की जो एपिक है, मतदाता पहचान पत्र आपको वितरित किया जाता है, अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिलीवर किया जाता है, इसमें मान लीजिए कोई त्रुटि है, इसको आप लोग कई जगह पहचान पत्र के तौर पर उपयोग करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके नाम की स्पेलिंग रिलेशनशिप परंतु भारतीय नागरिक है, वो भी हमारे 6A के माध्यम से भर सकते हैं। 8A मतलब 8A, अगर आप एक ही विधानसभा में एक मध्य स्थल से दूसरे मध्य स्थल पर मूव कर रहे हैं तो उसको भरेंगे। बस इतना ही बहुत सिंपल तरीका है। और इसके लिए मैं, चूंकि आप सभी लोग कंप्यूटर से भी है, मैं अनुरोध करूंगा कि ऑनलाइन माध्यम, चूंकि आप खुद भर रहे हैं तो त्रुटि की गुंजाइश 0 के बराबर है, कोई त्रुटि नहीं होगी, आप लोग खुद भरेंगे। तो उसके लिए जो सुविधाएं हैं, पहले तो वोटर हेल्पलाइन चाहे आयोजित करते हो सभी सिस्टम में अवेलेबल है, डाउनलोड कर लें और उसके थ्रू आप तो आप कार्रवाई होगी। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली भरना चाह रहे हैं तो voterportal.eci.gov.in
और NVSP.in, NVSP मतलब नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इससे आप डायरेक्ट भी भर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रमुख सिंपल तात्पर्य है कि दावा का मतलब है कि आप अपना नाम बढ़ाने के लिए दावा दे रहे हैं। आपत्ति का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई गलत दावा दे रहा है तो उसमें आप आपत्ति भी कर सकते हैं। इसके लिए जो तिथि निर्धारित है आज 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। कार्यक्रम आगे भी ये चलेगा परंतु आप 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ही भर सकते हैं अभी, क्योंकि उससे अभी साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग होगी। परंतु लोड ज्यादा होने के कारण 20 दिसंबर तक जो हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उसका फील्ड वेरिफिकेशन वगैरह कराकर उसको एक्सेप्ट करेंगे या बुलडोज का आधार पर जो भी निर्णय लेंगे। फिर 5 जनवरी 2022 को इसका फाइनल पब्लिकेशन अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके अलावा